नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शिव्स म्यूजिक एकेडमी में। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और साथ ही बेल आइकन नहीं दबाया है, तो प्लीज ये दोनों काम आप अभी के अभी कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहली बात कि काफी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो म्यूजिक सीख रहे हैं, काफी सालों से सीख रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉपर गाइडलाइन ना मिलने के कारण उनका कॉन्फिडेंस जो है डाउन होता जाता है। जब उनको चीजें ऐसा लगता है कि वो रट रहे हैं, तब उनको जो कॉन्फिडेंस है, उनका कॉन्फिडेंस वो बहुत डाउन होता है। तो बस यही मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप लोग अपना कॉन्फिडेंस किसी भी कीमत पर डाउन नहीं कीजिए। आप अपने अंदर एक सेल्फ बिलीफ बनाए रखिए कि आप सीख सकते हैं। ठीक है, अगर एक व्यक्ति भी सीख सकता है तो बाकी लोग भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस आपको बनाए रखना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रैक्टिस जो आपको करनी है, जो मैंने अपने पिछले लेसन्स में भी बताई है, कि आप जो सुर प्ले कर रहे हैं उसको माइंड में सेट कीजिए। ठीक है, आपने प्ले किया, जो राग वगैरह आप कर रहे हैं वो ठीक है, वो दूसरी तरफ है, लेकिन जब तक आप समझेंगे नहीं चीजों को, जो आप साउंड प्ले कर रहे हैं उसके बाद जो साउंड निकल के आ रहा है और जो साउंड आपने ग्रेस्प किया अपने माइंड में, अपने दिमाग में, ठीक है, उसको आप बिठाइए और समझिए कि एक नोट के बाद जब मैं दूसरी नोट पर गया तो साउंड कैसा हुआ। साउंड पहले के मुकाबले पतला हुआ, पहले के मुकाबले मोटा हुआ, या पहले के जैसा पहले ही है। जैसे हम देखते हैं, मान लीजिए मैं डी नोट से स्टार्ट करता हूं। अब मान लीजिए इसके बाद मैं ये एफ शार्प नोट पर आया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये पता करना है कि एफ शार्प नोट जाने पर साउंड पतला हुआ है या फिर मोटा हुआ है। ठीक है, आपको पता लगेगा कि जोर ज्यादा लग रहा है आपके गले पे, तो इसलिए साउंड जो है, इसकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ गई है, यानी कि ये पतला हुआ है। अब साउंड मेजर है या माइनर है ये भी आपको पता करना है। सुनने से फीलिंग पता लग रही है कि जब मैंने एफ नोट दबाया तो वो माइनर साउंड आ रहा था डी नोट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर थोड़ी खुशी की लहर, तो इसलिए ये अगर इसको सा मानता हूं तो ये ग शुद्ध है और ये ग कोमल एफ नोट, तो इसीलिए जो कॉन्सेप्ट आता है कोमल और शुद्ध का, वो डिफाइन करता है कि फीलिंग जो है मेजर है या फिर माइनर है। ठीक है, और दूसरी प्रैक्टिस आपको ये करनी है कि हर एक पॉइंट को रेफरेंस मानिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए सी शार्प को रेफरेंस माना, उसके बाद आप क्या कीजिए कि उसके जस्ट बाद, उसके जस्ट पहले, उसके जस्ट दूसरे बाद, जस्ट दूसरे पहले, तीसरे बाद, तीसरे पहले, चौथे बाद, चौथे पहले, हर नोट को ऐसे ही आगे करके, मैं बता रहा हूँ 12, एक ऑक्टेव में 12 स्वर होते हैं, तो उन सभी 12 स्वर की नॉलेज आपको लेनी है। एक रेफरेंस पॉइंट मानिए, उस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप लेफ्ट जाइए, राइट जाइए, एक एक करके लेफ्ट जाइए, एक एक करके राइट जाइए, ऐसे करके आपको जाना है। जो साउंड निकल रहा है उसको नोट करना है। जैसे अभी मैं राइट की तरफ जा रहा हूं, मतलब कि साउंड आपको देखना है कि बढ़ रहा है कि चढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है, बढ़ रहा है कि उतर रहा है, सॉरी। अब मैं अगर राइट जाता हूं तो जो साउंड है वो पतला होता जाएगा। सीरियल वाइज हमने कोई भी नोट बीच में नहीं छोड़ी, ऐसे ही जब आप पीछे की तरफ आएंगे जो साउंड है वो उतरता जाएगा। तो बस यही चीज है म्यूजिक में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी जो पूरा म्यूजिक है वो फीलिंग्स पर बेस्ड है। जितने भी राग होते हैं उन रागों की फीलिंग्स होती है। कोई गंभीर प्रवृत्ति का राग होता है, कोई शुद्ध का, जैसे था राग बिलावल हुआ तो उसमें पॉजिटिव फीलिंग आती है, राग कल्याण हुआ इसमें भी गंभीर प्रवृत्ति का आता है। तो जो भी म्यूजिक है वो फीलिंग्स पर बेस्ड है। अगर आप फीलिंग्स को ही नहीं समझेंगे तो म्यूजिक एक गेम की तरह हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जो लोग रटते हैं नोटेशंस को, नोटेशंस के पीछे भागते रहते हैं,
आज इसकी नोटेशंस, कल उसकी नोटेशंस, तो ये काम कतई नहीं करना है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है? बिल्कुल मत कीजिए, आज नहीं तो कल, टाइम ज्यादा लगेगा मैं मानता हूँ, लेकिन जो आप सीखेंगे खुद से वो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको नहीं सिखा सकता, ठीक है? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है जो आपको करनी है। एक नोट को रेफरेंस मानिए, उसके बाद हर एक नोट पर ये पता कीजिए कि जब मैं एक नोट से पहले पर गया तो किस तरह की आवाज आई, इस पॉइंट से मैं दूसरे नोट पर गया किस तरह की आवाज आई, इस पॉइंट से तीसरे नोट पर गया फिर कैसी आवाज आई, चौथे पर गया कैसी आई, पांचवे पर कैसी, छठे पर कैसी, ऐसे करके। एक नोट से 12 तक हम जानते हैं कि वो डबल हो जाएगा, एक ऑक्टेव खत्म होने पर जो फ्रीक्वेंसी इसकी है सा, तो जब मैं ये प्ले करूंगा एक ऑक्टेव के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी डबल होगी इस नोट के कंपैरिजन में, सा सा सा। और दूसरी बात और कि अगर मैं एक नोट को सा मानता हूं तो उस नोट के अकॉर्डिंग जो पा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी 1.5 गुना होगी, कितनी, 1.5 टाइम्स। सा रे गा मा पा सा पा पा सा, ये चीजें कुछ ध्यान रखने की है जो आपकी मदद करेंगी। उसके बाद जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो कैसे, सा रे सा सा मा सा, आपको ऐसे हर नोट का जो कॉम्बिनेशन है वो ध्यान रखना है। जैसे कि सा के बाद जब मैं नी शुद्ध पर आऊंगा तो किस तरह की फीलिंग आएगी, सा नी कोमल पर आऊंगा तो सा नी सा, धा कोमल पर आया तो सा धा शुद्ध पर सा धा सा, सा से म शुद्ध पर आया तो सा म तीव्र पर आया तो एकदम बेचैनी सा, ऐसे लगेगा कि दिल में किसी ने छेद कर दिया, सा म सा, ऐसा लगे जैसे सुरंग में ट्रेन जा रही है, ठीक है? सा के बाद जब म तीव्र पर आएंगे तब, ठीक है? फिर सा के बाद ग कोमल पर आएंगे, सा ग सा, हल्का सा माइनर हुआ, ऐसा क्यों? सा के बाद जब हम किसी कोमल पर जाते हैं तो वो माइनर वाली फीलिंग देगा, जैसे कि सा के बाद रे कोमल पर आया तो सा, रे शुद्ध पर आऊंगा तो एक पॉजिटिव फीलिंग देगी, सा रे सा, ग कोमल पर आया फिर से माइनर माइनर फीलिंग, सा ग सा, ग शुद्ध पर पॉजिटिव फीलिंग, सा ग सा, म शुद्ध पर फिर से पॉजिटिव, सा म तीव्र पर एकदम बेचैनी, सा म तीव्र सा, सा पा पर फिर शुद्ध, सा पा सा, धश शुद्ध पर भी मेजर फीलिंग, सा धा सा, फिर नी कोमल पर सा नी सा, फिर ऐसे नी शुद्ध पर सा नी सा सा आपको सुरों की समझ कराएगी। जब तक आप इस प्रैक्टिस को नहीं करते, जो आप प्ले कर रहे हैं अगर उसको आप सुनते नहीं हैं ध्यान से, तो जो म्यूजिक आप सीख रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ जाके क्लास करके, आप वहाँ जाके क्लास करके राग सीख रहे हैं, लेकिन कुछ सालों बाद आप ही लोग मुझसे कहते हैं, काफी लोगों ने मुझसे कहा है कि सर हमको इतने साल हो गए लेकिन अभी तक जो म्यूजिक की फील है हम खुद से गाना नहीं बना पाते, खुद से हमारी धुन है वो नहीं बना पाते। तो वो कैसे बना पाएंगे? आपने सिर्फ एक स्किल में रट ली है सारे राग सारे थाट, उंगलियों की उंगलियां चलाने सीख गए। उंगलियां चलाने का मतलब ये नहीं कि आपको म्यूजिक आ गया, ठीक है? म्यूजिक आपको तब आएगा जब आप उस फील को समझेंगे और अपने फील्ड के अकॉर्डिंग जो आप बनाना चाहते हैं उस फील्ड के अकॉर्डिंग जब आप म्यूजिक बनाने लगेंगे, जब आप संगीत बनाने लगेंगे, उस दिन आप मान सकते हैं कि आप संगीत सीख गए, ठीक है? उंगलियां चलाना कोई भी सीख सकता है। जैसे गधा एक मेहनत करता है, वो स्मार्टली नहीं करता, वो सिर्फ मेहनत करते जाता है करते जाता है, लेकिन जो स्मार्टली वर्क करता है वो ज्यादा सक्सेसफुल होता है, ठीक है? ये बात आपको भी पता होगी। तो आपको सक्सेसफुल बनना है, ठीक है? आपको स्मार्टली मेहनत करना है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ उंगलियां चलाने के लिए म्यूजिक सीख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। उंगलियां चला के आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? तो सीधी सी बात है, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आप लोग नोटेशंस को फॉलो बिल्कुल ना करिए। अगर नोटेशंस आपको मिलती भी है तो पहले उसको आप खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है? खुद से प्ले करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि हारमोनियम के केस में ही ऐसा है, दुनिया का कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट लीजिए उस पर सबसे पहले आपको खुद से ट्राई करना है। जब आपको नहीं आएगा तब आप बाकी लोगों की मदद लीजिए और उस मदद में आप ये सीखें कि आप पहले क्या गलती कर रहे थे जो आपको बाद में पता लगी, ठीक है दोस्तों? तो इस ये सबसे बेस्ट तरीका है
खुद से सीखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो देखेंगे, पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो म्यूजिक सीखना चाहते हैं। फिर से कहना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।